सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज विस्कोसिटी। इट जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया, इफ आई टेक एन इंक्लाइंड सरफेस, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, राइट, हम उसको साइड से देख रहे हैं। सो वी हैव एन इंक्लाइंड सरफेस समथिंग लाइक दिस। इसका ये वाला हेड नीचे से कुछ पीछे की साइड ऐसे मुझे दिखेगा। यहाँ पे हम अलग अलग लिक्विड्स रखते हैं, अलग अलग फ्लूड्स रखते हैं, एंड वी मेक श्योर दैट ऑल ऑफ देम फ्लो थ्रू दिस इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, सो लेट्स से वी हैव डिफरेंट फ्लूड्स, लेट्स से वी हैव मिल्क, लेट्स से आई हैव हनी, लेट्स से आई हैव केरोसिन, राइट, एंड लेट्स आई हैव वाटर। सो लेट मी यूज ब्लैक कलर फॉर वाटर। आई नो वाटर इज नॉट ब्लैक, जस्ट टू मेक श्योर ऑल ऑफ देम लुक डिफरेंट आई एम यूजिंग ब्लैक। मिल्क, केरोसिन, एंड लास्ट वन इज हनी। सो व्हाट विल हैपन अगर मैं सबके एक एक ड्रॉप सेम साइज के छोड़ दूं, क्या ये सारे के सारे एंड तक एक टाइम में पहुंचेंगे? आंसर मीन यस और नो। द मोमेंट आई आस्क यू क्वेश्चन, आपके दिमाग में आंसर ऑलरेडी आ चुका था। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट आंसर विल बी नो, राइट। डेफिनेटली सारे सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज आपका वाटर बहुत ही फास्ट फटाफट फ्लो होते हुए आपके नीचे पहुंच जाएगा। ऑन द अदर एंड आपका हनी जो है वो सबसे स्लो, धीरे 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 ग्रेविटी की वजह से स्लोली 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 नीचे आके बहुत टाइम बाद वो नीचे पहुंचेगा। वाटर तो आपका इंस्टेंट से अपने आप छोड़ा, ऐसे ही फट से वाटर पूरा नीचे, हनी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, उसमें एक स्टिकीनेस है कि वो जहाँ पे आप उसको रखोगे वहाँ पे उसमें स्टिकीनेस के वैसे चिपकने के वैसे धीरे धीरे फ्लो का। रिमेंबर, आपने अगर बायोग्राम कहीं पढ़ा रहेगा या फिर कहीं गार्डन में या कभी फॉरेस्ट में कहीं पर कोई ट्री देखा रहेगा तो उसमें से कुछ फ्लूड फ्लो करता है ना। सो इपोक्सी रेजिन वगैरह भी उसी में से बनता है, तो वो फ्लो बहुत ही स्लोली स्लोली करता है, एक ग्लू जैसा एकदम स्टिकी मटेरियल, उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? दिस इज विस्कोसिटी। आई कैन से दैट हनी हैज वेरी हाई विस्कोसिटी व्हाइल वाटर हैज वेरी लो विस्कोसिटी। इनका इनके इंटरमीडिएट में कुछ तो रहेगा। सो व्हाट बेसिकली इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज नथिंग बट फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। वी हैव सीन फ्रिक्शन इन सॉलिड्स, राइट, दिस इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। मैंने यहाँ पे लिक्विड का एग्जाम्पल लिया है, गैसेस के केस में भी आपका विस्कोसिटी होगा। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? जब भी आपका फ्लूइड किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा, राइट, देर विल बी सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द सरफेस, द फ्लूइड एंड द पर्टिकुलर सरफेस। तो जिसमें जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जो जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा फ्लो को, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, विस्कोसिटी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड, जिसमें ये रेजिस्टेंस कम फील होगा उसका विस्कोसिटी कम होगा। सिंपल इज दैट। सो यहाँ लिक्विड में भी होगा, ये गैसेस में भी होगा। लिक्विड में क्यों होता है? बेसिकली इन लिक्विड इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, एंड इन गैसेस इट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से होता है। सो सिंपली व्हाट इज विस्कोसिटी? नथिंग बट फ्रिक्शन इन फ्लूइड। जब भी किसी फ्लूइड का फ्लो करोगे वो जिसकी सर्फेस से कॉन्टेक्ट में आएगा उसके साथ उसका फ्रिक्शन होगा, एंड दैट इज वॉट वी कॉल विस्कोसिटी, राइट। लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल। अब विस्कोसिटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब भी हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स इन मोशन, जिसको हम हाइड्रोडायनामिक्स भी कहते हैं, राइट, तो विस्कोसिटी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वापस मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। वी हैव अ पाइप, वी हैव टू मेक श्योर दैट फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी ये मेरा फ्लूइड फ्लो होने वाला है, कुछ ऐसा। देयर इज सम मटेरियल, इसका प्रोसेसिंग होने वाला है, टैंक ए से टैंक बी मुझे फ्लूइड लेके जाना है। लेट्स से हम कुछ तो बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम वी आर इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री जिसमें कुछ तो चीज़ें बन रही। लेट्स से यहाँ पे बन रहा है फेस वॉश, चलो, राइट। सो या कोई भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में चले जाओ, इवन मैंने पेट्रोलियम वाला एग्जांपल जो पहले लिया था कि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो होता है उससे धीरे धीरे रिफाइन करते करते पेट्रोलियम बनता है। लेट्स से यहाँ फेस वॉश बनता है, तो फेस वॉश कैसे बनता रहेगा? बैचेस में उसका प्रोसेसिंग होता है, राइटिंग में पहले उसमें एक इंग्रेडिएंट डाला, सब कुछ बराबर मिक्स किया गया,
फिर वो फ्लो किया जाएगा, यहाँ से एक दूसरा इंग्रीडियंट ऐड किया जाएगा, फिर मिक्स किया जाएगा, क्या पता है दो बार में हो जाए, क्या पता है ऐसे तीन टैंक हो, चार टैंक हो, करेंगे नहीं। बट जब यहाँ से यहाँ पे उसको हम फ्लो करेंगे, तो जैसे जैसे उसमें नए नए इंग्रीडियंट्स ऐड होंगे, लेट से पॉइंट ए में एक इंग्रीडियंट ऐड हो गया, बराबर मिक्स हुआ, ये बहुत बड़े स्केल पे होता है बाय द वे, ठीक है, ये आपको टैंक छोटे दिख रहे हैं, बट पेस्ट वॉश या जो भी आपको कॉस्मेटिक का सामान है बहुत बड़े स्केल पे बनता है, 250 किलो, 500 किलो, डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोडक्शन है। सो इसमें जब कोई नई चीज़ ऐड होगी तो क्या वो पहले जितना ही सेम फ्लो करेगा, क्या उस पर फ्रिक्शन चेंज होगा? डेफिनेटली चेंज होगा, कटिंग नहीं। जैसे आप दूध लो, दूध में पानी मिक्स करो तो उसका विस्कोसिटी चेंज हो गया। जैसे अगर आपको चेक करना रहेगा ना दूध कितना अच्छा है या फिर दूध कितना प्योर है, लेट मी यूज द बेटर वर्ड प्योर, तो एक दूध के ड्रॉप को आप फ्लो करा के देखो, अगर उसमें पानी ज़्यादा मिक्स करो तो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर आपका बहुत जल्दी नीचे आता है, जितना पानी मिक्स करोगे उतना जल्दी फ्लो होगा, सिंपल सा टेस्ट। तो सेम वैसे भी अगर आपको यहाँ से ए से बी तक उसको लेके जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसका विस्कोसिटी कितना चेंज हुआ। अगर आपने ए ए टैंक में एक नया इंग्रेडिएंट ऐड किया, उसका विस्कोसिटी वेरी करेगा, बी में एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया आपने यहाँ पे, तीसरे टैंक तक जाते जाते इसका विस्कोसिटी और चेंज हो गया, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको कितना टाइम लगेगा उस पर भी डिपेंड करेगा। इमेजिन करो ना, आप इसमें दो अलग अलग मटेरियल फ्लो कराओगे, क्या दोनों सेम वेलोसिटी से फ्लो होंगे? नहीं, क्यों? उनका फ्रिक्शन होगा इसके सरफेस के साथ पाइप के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टडी करें विस्कोसिटी किसका कितना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि उसका विस्कोसिटी कितना है, क्योंकि अगर आप विस्कोसिटी कंसिडर नहीं करोगे तो आपने जो प्रॉब्लम्स, आपने जो प्रिडिक्शन किया कि इतना इतना टाइम लगेगा, आपने जो कैलकुलेशंस किया है वो रॉन्ग हो सकता है। सो ये पाइप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पाइप का एग्जांपल लिया, तो ये तो हमको ऊपर ऊपर समझ में आ गया कि विस्कोसिटी कंसिडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीज़ें भी होती है ड्यू टू विस्कोसिटी जो हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे अब हमने यहाँ पे जो पाइप लिया था, इसी पाइप को, पाइप के थ्रू लेट से हमारा कुछ तो फ्लूइड मूव कर रहा है, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, लेट्स जस्ट मैग्नीफाई दिस और इसको थोड़ा जूम करके थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो गया। राइट, अब हमको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, मेरा जो भी फ्लूइड है वो सेंटर से कुछ वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, बट जो वेलोसिटी मेरा इस पाइप के या कंटेनर जो भी बोलो इसके अंदर से फ्लो हो रहा है उसके कॉन्टैक्ट में है, इसको फ्रिक्शन फील होगा। मेरा वो लेयर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है मेरे पाइप के साथ, उसको तो फ्रिक्शन फील होगा। फ्रिक्शन फील होने के वजह से जो उसका वेलोसिटी होना चाहिए था, लेट से इसका वेलोसिटी इतना होना चाहिए था, दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुँचने चाहिए थे, बट ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, ड्यू टू दैट ड्रैग जो उसको फील होगा, इसका वेलोसिटी सेंट्रल लेयर से काफ़ी कम होगा। गेटिंग मी? एंड दैट विल बी ऑल्सो केस फॉर द अदर लेयर, जो दूसरी साइड भी आपका जो लेयर होगा उसका भी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होगा, राइट? और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी भी इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसके कॉन्टैक्ट में ये इसको स्लो करेगा, इसका वाला और कम होगा और कम होगा। ऐसे करते करते आपको देखने मिलेगा कि एक ही पाइप के अंदर जो अलग अलग लेयर्स हैं ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सबसे सेंटर वाला सबसे फास्ट मूव करेगा विद हाईएस्ट वेलोसिटी, और जो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में आ रहा है पाइप के दोनों साइड ये स्लो मूव करेगा। अब ये स्लो मूव कर रहा तो ये नेक्स्ट वाले लेयर के कॉन्टैक्ट में ये इसको थोड़ा स्लो करेगा, ये इसको स्लो करेगा, ऐसे करते करते सबका आपका वेलोसिटी अलग अलग। दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी। अगर फ्लूड में विस्कोसिटी है तो, अगर मान लो आपका फ्लूड ऐसा है जिसमें विस्कोसिटी है ही नहीं, ठीक है, तो आपका ये सेम डायग्राम बहुत सिंपल होगा, तो आपका ये कैसा दिखेगा डायग्राम? तो सिंपली आपके सारे सबके वेलोसिटी सेम रहेंगे। इफ अ फ्लूड इज नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि उसमें विस्कोसिटी है ही नहीं, सो ऐसा केस आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि द क्लोजेस्ट थिंग विच वी हैव टू अ नॉन विस्कस फ्लूड इज एचिंग एंड दैट इज ऑल्सो एट 2K, ये ऑलमोस्ट 2K पे एक नॉन विस्कस जैसा बिहेव करते हैं, यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट बिकॉज कंप्लीटली नॉन विस्कस तो ये भी नहीं है, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत वो विस्कस नेचर देखने मिलेगा। सो ये आपका नॉन विस्कस होगा, ये आपका विस्कस होगा, इसमें आपको विस्कोसिटी देखने मिलेगी, तो विस्कोसिटी अगर होगी तो हर एक लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होगा ड्यू टू दैट विस्कोसिटी।